दोस्तों, ये कहानी है नमन की। नमन रोज शाम को कोवलम बीच पर सैर करने जाता था। नमन एक शर्मीला लड़का था, पर सबकी मदद करता था। एक दिन वो बीच पर सैर कर रहा था, तभी उसने कुछ आवाज सुनी। हेलो मैडम, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी मैम? थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। अरे नहीं, कोई बात नहीं। नमन पूर्णिमा को डॉक्टर के पास ले गया और उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। नमन रोज पूर्णिमा के साथ घूमने लगा। एक शाम वो दोनों बीच पर टहल रहे थे। कितनी हवा चल रही है ना, आज मौसम अच्छा है। हाँ, रात हो रही है, बीच भी खाली हो रहा है। हो जाने दो, आज हम लोग सबसे बाद में जाएंगे। अच्छा जी, और वो क्यों? अरे ऐसे ही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, फिर तो वेट करना पड़ेगा। अब तो सब चले गए, अब बता दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। चलो ठीक है पूर्णिमा, हम दोनों इतने टाइम से अच्छे दोस्त हैं। तेरे साथ बिताए मोमेंट्स मेरे लिए सबसे स्पेशल होते हैं। आई नो why, बिकॉज पूर्णी, आई लव यू। नमन, आई एम सो हैप्पी। ये शब्द सुनने के लिए कब से तरस रही थी। आई लव यू टू। पता है, जिस दिन से तुमने मुझे स्कूटर से उठाया था, मुझे उसी दिन से तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। पूर्णिमा, अरे वहाँ कोई बाबा तुम्हें आवाज दे रहे हैं। पता नहीं कौन है, आओ चलो देखते हैं। तुम्हारा क्या नाम है लड़की? प्रणाम बाबा, मेरा नाम पूर्णिमा है। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, ये हार तो बहुत कीमती लगता है, ये मैं नहीं ले सकती। रख लो। शुक्रिया बाबा। नमन, ऐसे कैसे किसी अनजान से? अरे एक साधु को इनकार करते तो न जाने श्राप दे देता। बस तुम्हारे कहने पे ही तो मैंने रख लिया ना जानू। जानू, ये नया है, बढ़िया। नमन अगले दिन बीच पे इंतजार कर रहा था, पर पूर्णिमा नहीं आई। उसने कॉल किया पर नो पिकअप। वो परेशान हो गया और पूर्णिमा के घर गया। अरे ये डोर तो खुला हुआ है। पूर्णी, पूर्णी, दरवाजा खुला है, बेड पे फोन पड़ा है, नेकलेस पड़ा है, और ये लड़की गायब हो गई। अरे ये नेकलेस तो वही है जो साधु ने दिया था, पर ये तो नीला था, लाल कैसे हो गया? उस हार का बदला रंग देखकर नमन को शक हो गया। वो फौरन हार लेके उस साधु बाबा के पास गया। बाबा, ये आपने क्या किया? पूर्णिमा कहीं गायब हो गई है। तभी राक्षस अपने असली रूप में आ गया। असल में वो एक ब्रह्म राक्षस था। तुमने पूर्णिमा को गायब कर दिया है, जवाब दो। मैंने ही किया है, और कल पूनम की रात है, मैं उसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगा। नहीं, छोड़ दे उसे, मैं तुझे मार डालूंगा। एक बार आखिरी बार देख ले इसे। नमन, प्लीज सेव मी, ये मुझे मार देगा। छोड़ दे उसे राक्षस, वरना धमकी ले ले। हे भगवान, मेरी मदद कर। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा, मैं क्या करूं? क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? पुजारी जी। और फिर नमन ने पूरी बात पुजारी जी को बताई। वो एक ब्रह्म राक्षस है, बहुत ही शक्तिशाली है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो? आप बताइए मुझे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ठीक है,
जहाँ तुम टहल रहे थे उस समुन्दर के अंदर गहरे पानी के अंदर एक गुफा में एक मंदिर है। तुम्हें वहां से पवित्र जल लाना होगा। ओह, तो मैं भी जाता हूँ वो जल लेने। रुको, उस जल की रक्षा एक दानव करता है। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उसके सवाल का गलत जवाब दिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। जी पंडित जी। और हाँ, याद रखना, आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें वो जल लाना होगा। दिन भर प्रयास करने के बाद किसी तरह से नमन को वो समुद्र के अंदर की गुफा मिली। वहां से उसे वो मंदिर दिखा। वो मंदिर के अंदर गया। रुक, कहां जा रहा है? अपनी मौत के बाद जो भी हो, मैं उस पवित्र जल को लेके ही आऊंगा। तो ठीक है, पर पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा। तो बता, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो ब्रह्म राक्षस। गलत जवाब। एक बार फिर से सोच ले। रुको, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा प्यार है। प्यार ने ही मुझे कमजोर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। ठीक कहा नमन, जाओ और पवित्र जल ले लो। नमन को पवित्र जल तो मिल गया, पर 12 बजने में अभी बस 2 ही घंटे बाकी थे। पुजारी जी, मैं जल ले आया। दो, मुझे दो। लीजिए। और वो लॉकेट भी दो जो तुम्हें ब्रह्म राक्षस ने दिया था। हाँ, ये रहा। तुझ पुजारी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे लेकर। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, छोड़ दे पूर्णिमा को। जा, नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा, तुम ठीक हो? शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारी इतनी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। और इस तरह नमन को पूर्णिमा फिर मिल गई। फिर एक डरावना किस्सा सुनने, आपको डर नहीं लगता? चलिए आपको आज मैं अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताती हूँ। विद्या मुंबई में इकोलॉजी का कोर्स करती थी। उसको पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत प्यार था। अकी रुको, वो देखो वहाँ, वो पपीज। चल विदु, लेट हो रहा डार्लिंग, 7 बजे पार्क बंद हो जाता है। उससे पहले अगर नहीं पहुंचे तो प्लान कैंसिल। अभी आई अकी। यू नो अक्षय, ये एनिमल्स ही मेरे जीने का मकसद है। जब भी किसी राह चलते जानवर की मदद कर लेती हूँ तो लगता है कि दिन सफल हो गया। ऑफ कोर्स विदु, तुम्हारी यही अदा देख के तो मेरे अंदर का भी जानवर जाग जाता है। कुछ भी हा? अच्छा बताओ क्या प्लान है? संजय गांधी नेशनल पार्क, वहाँ एक कैंप साइट है। प्लान छोटा सा है, टेंट मिलेगा और सिर्फ 3 चीज, कबाब, शराब और शबाब। हाँ, शबाब भी देंगे? नहीं, ओनली शराब और कबाब। शबाब अनफॉर्चुनेटली खुद लाना पड़ता है। और फिर विदु और अक्की संजय गांधी नेशनल पार्क में टेंट लगा के खा पी रहे थे। यहाँ से स्टार्स कितने सुंदर दिखते हैं ना? वो देखो, तुम्हें वो कॉन्स्टेलेशन पता है? और चांद, आज चांद नहीं है। मुझे तो दिख रहा है। आ, हाउ रोमांटिक। आज अमावस्या है, काली अंधेरी रात। सॉरी मैंने आपको ओवरहियर किया। शहर से दूर यहाँ शांति में आवाज ज्यादा आसानी से सुनाई दे जाती है। वैसे मेरा नाम प्रत्यक्ष गुप्त है,
मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट? वाओ। पर एक वैज्ञानिक अकेला यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? रिसर्च। ये जगह लेपर्ड से भरी हुई है। आप जो कबाब खा रहे हैं ना, वो इन्हें भी बहुत पसंद है। पर ये आग हमें शायद सेफ रखेगी। ओह वाओ, लेपर्ड्स, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। डोंट वरी जानेमन, ये शेर तुम्हें सोने नहीं देगा। कौन? तुम? दो पैक के बाद तुमको खुद को उठाना मुश्किल है। तुम नहीं लोगी? नहीं, आज कुछ सर में दर्द हो रहा है। चल, आई एम ऑफ टू स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल जॉइन आफ्टर आई फिनिश दिस। और फिर विद्या टेंट में जाके लेटी तो उसे फौरन नींद आ गई। पर काफी देर बाद उसकी आंख कुछ हलचल से खुली। Haki, is it you? Haki, तुम बाहर हो? अक्षय, ए सुनो, आवाज मत करो। यहाँ एक लेपर्ड आया था और वो तुम्हारे पति को उठा ले गया। क्या? लेपर्ड? कैसे? लेपर्ड एक खूंखार जानवर होता है और अक्सर अपने शिकार को मुंह में दबा के पेड़ पे चढ़ जाता है। मैं यहाँ ऊपर ही था, लास्ट तुम्हारा पति बॉनफायर के पास ही लेटा था। क्या बकवास कर रहे हो? अक्षय कोई बच्चा नहीं है जो मुंह में आ जाएगा। देखो मैडम, कैसा होता है ना। शट अप, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैं तो ऊपर ही था, मुझे नहीं पता। मैंने रात में कुछ घंटियों की आवाज सुनी थी। घंटियों की आवाज? ओ, वो तो मैं ही कर रहा था, उससे लेपर्ड दूर रहते हैं। और फिर भी लेपर्ड आया? और विदु वहां से फौरन अपनी कार ड्राइव करती हुई पार्क ऑफिस की तरफ निकली। शायद उसने सोचा कि जंगल में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से बात करेगी तो उसकी कोई मदद कर पाए। वो तेजी से गाड़ी चला रही थी। हकी, इट्स यू, क्या ये तुम हो? वो राक्षस दूसरी कार की रोशनी देख के पकड़ा। ओह नो, ये मॉन्स्टर अक्षय है और ये सब इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? उस दैत्य की आंखें, ये वही आंखें थी जिन्हें विदु ने हमेशा से चाहा था। पर वो हैरान थी कि अक्षय ऐसा कैसे हो गया। वो देख पा रही थी कि वो बहुत तकलीफ में था, पर वो दूसरी गाड़ी से इतना डर के क्यों भाग गया? ओह नो, ये मॉन्स्टर अक्षय है और ये सब उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोलती हूँ। What? फॉरेस्ट में राक्षस? किसको मार दिया? विश्वास नहीं होता। ऑफिसर, हेल्प। हाँ, कहिए मैडम, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं?
ऑफिसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। आप थोड़ा पानी पीजिए और पूरी बात बताइए। पहले हम लोग, मैं और मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए थे रात को, और विदु ने पूरा किस्सा फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वाकई बहुत अजीब है। वानखेड़े, रेड अलर्ट जारी करो, जंगल में 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है और कोई भालू जैसा जानवर देखा गया है। गाड़ी और गन्स निकालो और जल्दी चलो। साहब, आई थिंक इट्स रिलेटेड। इन मैडम की माने तो वो इनका दोस्त है, और ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है। वानखेड़े, एक मिनट। देखिए मैडम, आपने जो कहानी सुनाई वो मैंने भी सुनी, पर अभी मुझे अपनी टीम को लेकर कहीं जाना होगा। आप आपका नंबर दे दीजिए और अभी हमको कुछ अर्जेंसी है। वानखेड़े चलो। नहीं प्लीज, उसे मारिएगा मत, वो मेरा दोस्त है। मैडम आप प्लीज घर जाइए और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही पता चलता है। और ऐसा बोल के फॉरेस्ट ऑफिसर्स बाहर चले गए। विदु भी निराश होके अपने घर लौट आई। फिर अगले दिन, और अभी अभी ताजा सूत्रों से एक खबर आई है, मुंबई पर एक मुसीबत ने हमला बोल दिया है। बोरीवली में स्थित राजीव गांधी नेशनल पार्क में एक अजीब सा राक्षस देखा गया है। ये नरभक्षी है और वहाँ रह रहे लोगों की जान ले रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार यहाँ रह रहे गरीब लोगों के लिए कुछ करेगी? और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर प्रत्यक्ष गुप्त। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये प्राणी क्या है? अरे ये बिल्कुल, और मेरे आने का मकसद ये भी है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ। एक्चुअली मैं उस जगह कल रात ही मौजूद था। ये एक तरह का असुर है, आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर ये कई 100 सालों में एक बार प्रकट होता है और इंसानों को खा के अपना पेट भरता है। साइंस भी नेगेटिव एनर्जीज में बिलीव करता है, और ये नेगेटिव एनर्जी जब किसी इंसान पे काबू कर लेती है तो असुर जन्म लेता है। क्या बकवास कर रहा है ये? इसने तो मुझे बताया था कि अक्षय को लेपर्ड ले गया। हो ना हो, जरूरी से मैं इसी का कुछ हाथ है। मिल गया एड्रेस, इसको जाके ही बात करनी पड़ेगी। अंदर कैसे आई? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। पहला, अक्षय को क्या हुआ? मैंने बोला था अक्षय को लेपर्ड। या नहीं, पागल हो गई है क्या? चाकू क्यों मारा? एक छूट और अगला वार सीधा गर्दन पे। अक्षय को क्या हुआ था? बताता हूँ, मुझे प्लीज मुझे मत मारो। मैं एक एंशिएंट वायरस पे काम कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिला है जो इंसान को बहुत ताकतवर बना सकता है, पर वो नरभक्षी हो जाता है। मेरे लोग उसके पीछे लगे थे, उसको पकड़ने की कोशिश भी की, पर उसने उनको ही मार दिया। दूसरा सवाल, अक्षय ठीक कैसे होगा? सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं है, वो अब कभी ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। ये जानने के बाद विदु से रहा नहीं गया, वो नेशनल पार्क जा पहुंची। विदु ने ऑफिसर्स से बात की और उसको साथ में ले जाने के लिए कन्विंस कर लिया। यह छोटी रोड से पैदल जाना होगा।
राक्षस नहीं, नहीं 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 अक्षय नहीं, रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। थ्रिलर टेल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको हर हफ्ते एक नई कहानी सुनाती हूँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर अपलोड का नोटिफिकेशन मिले। तो आज की कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जय और विजय। जय बड़ा था तो थोड़ा समझदार था, विजय एकदम नटखट। उनके पापा रेलवे में काम करते थे तो हर साल उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता था, कभी गांव कभी शहर। तो इस बार उनका तबादला मध्य प्रदेश में रतलाम में हुआ। बच्चों बच्चों, मेरा ट्रांसफर हुआ है, हमको अगले हफ्ते नए शहर जाना है। हमको नया क्वार्टर अलॉट हुआ है रतलाम में, तो अगले हफ्ते ही चलना होगा, तैयारी कर लो। फिर से? ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद सब लोग रतलाम में अपने अलॉटेड क्वार्टर में रहने के लिए आ गए। वहां उनको घर दिखाने के लिए वॉचमैन आया। साहब, आप इस क्वार्टर में रहने के लिए आए हैं? आप यहाँ मत रहिए साहब, इधर बहुत डेंजर है। आप कंपनी को बोल के दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, गार्डन वाला इतना अच्छा क्वार्टर मिला है, तुमको क्या प्रॉब्लम है और क्या डेंजर है? साहब इधर कोई ना कोई गड़बड़ होता रहता है, कुछ बूट बूट का चक्कर है, अंदर कुछ ऐसा है कि... रुको, कुछ भी बात मत करो। बच्चों जाओ अपना नया घर देखो। क्या भूत भूत, मैं इन सब बातों को नहीं मानता और सुनना भी नहीं चाहता। तुम जाओ अपना काम करो, हम लोग यहीं रहेंगे। जी साहब। अच्छा रुको, ये लो थोड़े पैसे रखो और कुछ सामान रखा है डिक्की में, वो अंदर रखवा दो। धन्यवाद। थैंक यू। कितना बड़ा घर है भाई, अच्छा घर है। और वो देख वो अलमारी, लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चल देखते हैं अंदर क्या है, शायद कोई टॉयज हो। शेख शिल्ली, ऐसे नहीं मिलते टॉयज, चल देख लेते। जय विजय, तुम दोनों अंधेरे में क्या खुराफात कर रहे हो? चलो इधर आओ और सामान लगाने में मेरी मदद करो। और ये अलमारी, ये यहां कैसे आई? लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चलो अच्छा है, इसे हम लोग यूज कर लेंगे। अरे ये तो लॉक्ड है। कोई बात नहीं, मैं कल किसी ताले वाले को बुला लाऊंगा और वो डुप्लीकेट की बना देगा। फिर ये बोल के पापा अपना सामान लेने चले गए। अगले दिन
एक चाबी वाले ने आके बहुत कोशिश की, पर उससे उस अलमारी का ताला खुला ही नहीं। साहब, ये अलीगढ़ का अलमारी है, इसका ताले का डुप्लीकेट चाबी नहीं बनेगा। सॉरी, बहुत टाइम खराब हो गया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है, रहने दो, पर ये खुलेगी नहीं तो कबाड़ी में बेचनी पड़ जाएगी। सर जी, कबाड़ी में देना है तो मुझे दे दो, मैं 500 तक दे सकता हूँ इसका। अल्लो, ये तो खुल गई, नहीं बेचनी हमको। अरे साहब, खुली नहीं है, खोली है मैंने, इतनी देर से हथौड़ा चीनी मार रहा था, अब जाकर असर हुआ। अच्छा ठीक है, ये 50 रुपए तुम रखो, काम हो गया। जय, रुक, इस कैप्टन अमेरिका को अलमारी में रखते हैं, वो इस भूत को मार देगा। ओके, तुझे जो करना है वो कर, मैं बहुत बिजी हूँ। वाओ, ये तो जादू है। ऑसम। जय, एक काम करना प्लीज, इस अलमारी में जाना। क्या फालतू टाइम पास विजय, बहुत काम है मेरे पास, पापा डांटेंगे। जाना प्लीज, मेरा अच्छा भाई है ना। अच्छा जाता हूँ, पर तू बाहर से लॉक मत करना, नहीं करूंगा, प्रॉमिस। जय, जय तू कहाँ है? जय, 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 जय। जय कहाँ रह गया? और सामान लाना था। विजय, जय कहाँ है? पापा, जय पता नहीं, अभी तो अंदर आया था बाहर से। जय, जय, जय कहीं भी नहीं है। विजय, मुझे सच सच बताओ, जय कहाँ है? पापा, I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ विजय, मुझे पूरी बात बताओ। पापा, मैंने जय को इस अलमारी में बंद किया था, पर अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ तो वो इस अलमारी में नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या फालतू गिरी है विजय, बदमाशी हर टाइम अच्छी नहीं लगती, फौरन निकालो जय को अलमारी से। क्या जय, कब से आवाज लगा रहा हूँ, तू अंदर छुपा बैठा है, बाहर निकल। जय, जय को देख के विजय की सांस में सांस आ गई, पर जय कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, वो बिना कुछ बोले कोने में पड़े गद्दे पे जाकर बैठ गया। जय, तू कहाँ चला गया था, मैं कितना डर गया था। तू ठीक तो है ना मेरे भाई? थक गया होगा। अच्छा ठीक है, आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। चल सो जा आप। पर वो वहां से नहीं हिला, विजय लाइट बंद करके सो गया। जय, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जय क्या हुआ, उठो उठो जय, उठो जय उठो। अरे इसको तो बहुत बुखार है,
बदन तप रहा है इसका, इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पापा मैं विजय, सब तुम्हारी गलती है। पर पापा मैंने क्या किया? जब से तुमने उसे अलमारी में बंद किया है तब से इसे कुछ हो गया है। अब तुम यही रुको, मैं इसको दिखा के आता हूं। चुप हो जाओ, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास आओ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यहाँ आओ, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों छोड़ दूँ? तुझे मार के मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तेरे भाई को मारने से पहले तेरा बाप आ गया, पर तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा, अब तू मरेगी। घबराओ मत विजय, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहां से थोड़ा ही दूर गया था तो जय को होश आ गया। उसने मुझे पूरी बात बताई तो मुझे विश्वास हो गया कि इस अलमारी के साथ कुछ गड़बड़ है। और ऐसे उस अलमारी के साथ उस चुड़ैल का भी अंत हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी ऐसी कोई अलमारी मिले तो आप उसको रखना मत, जला देना। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक आप बीती बता रहा हूं। ये वाकया मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था। मैं एक हवलदार था और पुलिस में ड्राइवर का काम करता था। ये बात इतनी खतरनाक थी कि मैंने काम छोड़ दिया। तो हुआ यूं था, दशहरे का दिन था। साहेब ये मिठाई खाइए, आज घर पे बनाई है दशहरे की खुशी में। हाँ हाँ जरूर दो, खूब बढ़िया, बहुत अच्छी हुई है, मजा आ गया। थैंक यू साहेब, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है इसलिए बनाती हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा है? 4 साल का है साहेब। मेरा बड़ा वाला 8 साल का है, बहुत मस्ती करता है, गांव में पढ़ता है पर पढ़ता नहीं है, बस मस्ती करता है। सोचा था इस बार दिवाली पे छुट्टी मिल जाएगी किसी तरह से, पर नहीं मिली। हमारा तो ऐसा ही है, सरकारी काम है पर छुट्टी सरकारी जैसी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी, तुम्हारे ऊपर ही तो ये देश टिका है, वरना ये गुंडा नेते लोग बस 15 मिनट पुलिस हटने की राह देख रहे हैं। सही कहा साहेब। आला रे आला, कॉल आला, लगो काम पे। हेलो इंस्पेक्टर चौहान। हाँ मैडम, कहिए। नक्की? ओ ऐसा, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे, धक्मा क्या है? ठीक है,
आते हैं, घबराए नहीं। चल गोखले, गाड़ी निकाल। कोई औरत थी मलबार हिल के पास, कुछ डकमा बोल रही थी। किसी के रोने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आती है। ऐसा कोई जोर जोर से फिल्म देख रहा होगा, अपने एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो देखते हैं। पुलिस, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं यहाँ सामने ही रहने आई हूँ दो दिन पहले। कल रात से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही है, औरतों की और बच्चों की, वहाँ सामने दकमा से। आप प्लीज चेक कीजिए कहीं कुछ। अच्छा मैडम, आपका नाम? राइना सहान। गोखले, मैडम का नाम पता नोट करो, रिपोर्ट बनाओ। आरती, तुम मेरे साथ आओ तफ्तीश करने। जी साहेब। ये क्या जगह है? उस लेडी ने फोन पे कुछ बताया था, किसी समाज के लोगों की अंतिम संस्कार की जगह है। वो मरने के बाद डेड बॉडी को यहाँ पे छोड़ देते हैं गिद्धों के खाने के लिए। देखा जाए तो अजीब है, पर उनका सोचना है कि अगर शरीर जाते जाते भी किसी प्राणी के काम आए तो क्या बुरा है। फिल्मों में सुना है कि नहीं, तेरी लाश चील को वो को डाल दूंगा, वैसा ही कुछ। साहेब, आपने कुछ सुना? हाँ सुना, एक पल को लगा मेरा वहम है, पर तुमने भी सुना। जल्दी चलो अंदर देखते हैं। यहाँ तो कोई जिंदा नहीं है, यहाँ आवाज कहाँ से आई? कोई है क्या यहाँ? कोई है? इतनी गंध आ रही है, खड़ा रहना मुश्किल है, इनके बाल और नाखून भी काट देते हैं। खैर, किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई नहीं है यहाँ। थोड़ा डर लग रहा है, चलो चलते हैं। तुमने देखा वो वहां कोई हाथ हिला? ए, कौन है वहां? जिंदा हो क्या? खून नहीं। गोखले, गाड़ी चला, तुरंत चल यहां से। अरे क्या हुआ साहब, भूत देख लिया क्या? आपको बहुत पसीना आ रहा है। मुझे कुछ हो रहा है, जल्दी चला। अरे साहब, आपका माथा तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है आपको। मैं काम करता हूं, अभी हॉस्पिटल लेता हूं। हाँ हाँ, जल्दी ले लो बस। पेशेंट्स की हालत बहुत खराब है, पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और अहिरमान अहिरमान बोल रहे हैं। कहाँ गए थे डॉक्टर साहब? दाखमा मंजे टावर और साइलेंस की तफ्तीश करने गए थे। रास्ते में बता रहे थे कि कुछ खून का कुआं था और उन्होंने हड्डी फेंकी, उसमें से खून उछल के उनके ऊपर आ गया। बीमारी में कई बार हमारा दिमाग हमें अजीब अजीब सी चीजें दिखा देता है, ऐसा होता है। बीमार तो उसके बाद हुए वो दोनों, बहुत अजीब है साहब। वेल, जैसे तुम बता रहे हो, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में मैं भी जानता हूँ, उसमें खून का कुआं होता तो है।
और ऊपर की सतह सूख जाती है तो नीचे कई तरह की गैसेस बन जाती है। हो सकता है जो हड्डी फेंकी वो गिरने से उसमें कुछ विस्फोट हुआ हो, तो ये भी संभव है। फिर खून में जर्म्स होते हैं जिससे दोनों बीमार पड़ गए हो। फिर साहब और आरती कांस्टेबल की दो ही दिन में मौत हो गई। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। ये सब बहुत अजीब था। उनका यूं पागल हो जाना, मौत हो जाना, उसके अलावा भी जो औरत ने कंप्लेन की थी उसका दिया हुआ एड्रेस ही गलत था। बड़े दफ्तर से जब कार्यवाही हुई तो पुलिस का पूरा दस्ता आया तफ्तीश करने। सब लोग उतरो और मेरे साथ अंदर चलो। ये तो खाली पड़ा है, कुछ नहीं है यहां। ओ मैडम, ये जगह के बारे में बता सकते हैं? दाखमा टावर ऑफ साइलेंस, ये कब से बंद पड़ा है? ये जगह बहुत पुरानी है, हमेशा से बंद है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि ये शापित है, आत्माओं का चक्कर एंड ऑल, पर आप तो जानते हैं लोग कुछ भी कहते रहते हैं साहब। ठीक है मैडम, चलो सब लोग, कोई सुराग नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सारी लाशों का 3-4 दिन में नामो निशान कैसे गायब हो गया। डिपार्टमेंट को तो ये भी लगता है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ और कहानियां बना रहा हूँ, इसलिए अपनी कहानी रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात पे यकीन होगा। दोस्तों, क्या भगवान होता है? आपको यकीन है? मुझे पता नहीं, लेकिन शैतानी ताकतें होती है। क्या आपको विश्वास नहीं? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, एक नवविवाहित जोड़ा था, नवीन और प्रीति। दोनों को घूमना पसंद था, वो नई नई जगह जाते। एक बार वो दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस गए। बनारस में वो एक होटल में रुके और पूरा बनारस देखा। फिर एक रात, अरे मैनेजर साहब, थोड़ा हेल्प कीजिए। कहिए ना सर। हमने पूरा बनारस देखा, अब बस एक दिन और बिताना है हमको, तो कहाँ जाएं? साहब, आप सारनाथ के बगीचे में गए क्या? नहीं, वो तो नहीं हुआ। सुंदर जगह है, जरूर जाइए, बड़ा है, एक दिन तो वही बीत जाएगा। फिर उसके आगे माता का मंदिर है, वो भी देखने लायक है। फिर बस उसके आगे नहीं जाइएगा। क्यों? उससे आगे क्यों नहीं जाना? उससे आगे एक हवेली है, पुरानी हवेली, वहां कोई आता जाता नहीं। पुरानी हवेली? कुछ भूत प्रेत वाली है क्या? ऐसा ही कुछ सर। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत सब मन के भाई होते हैं, सच्चाई में नहीं होते। जिसका कभी पाला नहीं पड़ा वही लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। पर साहब आप वहां मत जाना बस, वहां सांप बिच्छू भी है, मंदिर से आगे बिल्कुल मत जाना सर। और नवीन वहां से चला गया। अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने गए बगीचे में, बहुत सुंदर था, उन्होंने खूब सारी तस्वीरें भी निकाली। वेरी ब्यूटीफुल प्रीति, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। अच्छा जरा सा उधर देखो, चिन डाउन, चीज। फिर एक तस्वीर में नवीन को दूर माता का मंदिर दिखाई दिया। अरे सुनो, देखो वो, देखो उधर वो मंदिर दिख रहा है, आओ वो देखने चलते हैं।
मैनेजर ने बोला था कि वो देखने लायक है। हाँ हाँ जरूर। फिर वो दोनों मंदिर गए। मंदिर छोटा जरूर था पर वहां की शिल्प कला देख के दोनों दंग रह गए। उनको तस्वीरें निकालते निकालते शाम हो गई। यहाँ कितनी शांति है नवीन, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मेरे साथ आओ, तुमको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे है। यहाँ से अच्छा क्या होगा, पर चलो कल तो वापस ही जाना है। और दोनों वहां से थोड़ा आगे गए। उनको एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। वहां कोई नहीं था। वो हवेली के पास गए। इतनी पुरानी हवेली है नवीन, और सुनसान है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे इस जगह के पिक्चर्स निकालने हैं। आखिर समझ तो आए कि यहाँ के लोग क्यों डरते हैं अंदर जाने से। डरते हैं? हाँ रे, वो मैनेजर बोल रहा था कि अंदर मत जाना वहाँ। क्या है अंदर? अरे कुछ नहीं, वो बोला कि पुरानी हवेली है, सांप बिच्छू हो सकते हैं। तुम आओ ना, हम फौरन फोटोज निकाल के आ जाएंगे। सांप बिच्छू इस वीराने में? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ आभास सा हो रहा है। अरे आना प्रीति, हम 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। तुम बिना बात के डर रही हो। अच्छा ठीक है बाबा। और वो दोनों हवेली के अंदर गए। इतनी बड़ी हवेली। यही राज तो पता करना है। मैंने सुबह से ही सोच रखा था कि यहाँ आऊंगा। यहाँ सब दीवारों में काई लगी हुई है, कोई रहता नहीं शायद यहाँ। अरे नवीन, नवीन, नवीन! क्या नवीन, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। एक तो वैसे ही इस खंडर में इतना डर लग रहा है। मजा आ गया प्रीति, तुम्हारा एक्सप्रेशन एकदम प्राइसलेस था। आओ आओ आगे देखते हैं। स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ हो, डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवीन, आई लव यू। मुझे ना अभी कुछ। क्या प्रीति? कुछ नहीं, मेरा वहम होगा। चलो ना होटल चलते हैं, रात बहुत हो गई है। बस एक मिनट, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। क्या? वो देखो, वहां वो पुराना संदूक रखा है, आओ उसे देखते हैं। अरे ये तो बहुत पुराना लगता है, शायद कोई खजाना हो इसमें। चलो खोलते हैं। अरे इसमें तो ताला लगा है। अरे रहने दो ना नवीन, चलते हैं ना हम लोग, प्लीज। इसको तो मैं खोल के ही रहूंगा, ताला छोटा है। रुको एक पत्थर लाया, इसको अभी तोड़ दूंगा। जाने अंदर क्या निकले प्रीति। नवीन! कुछ नहीं प्रीति, डरो मत, बस एक सांप है। ओ गॉड, नवीन चलो यहाँ से प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यार तुम इतने डरपोक कैसे हो गए? अच्छा बाबा चलो रहने दो, तुम पर ऐसे कई खजाने कुर्बान, चलो चलते हैं। और वो लोग वहां से चले गए। अरे वो देखो, मुझे ना चाट खानी है, चलो ना। हाँ हाँ चलो, अब तुमको चाट दिख गई है तो खानी तो पड़ेगी। बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी लो ना। अरे खाओ ना, मैं और मंगाता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग दिल्ली से आए हो? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? बस तुम लोगों की भाषा से। ओह रियली, आर वी सो ऑब्वियस? नो नो, इट्स जस्ट मी। I've been living in this city for so long, speaking to everyone. It's easy to guess. Oh wow, आप तो अंग्रेजी भी बोलते हैं। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं।
किसी के साथ 5 मिनट बिता लो, उससे कुछ सीखने को मिल जाता है। अरे बहुत अच्छे। अच्छा बाबा, आप पुराने हो तो सारनाथ के बगीचे के पास वो पुरानी हवेली के बारे में जरूर जानते होंगे आप। वो पुरानी हवेली? हाँ, वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। अच्छा? सैकड़ों सालों से वो चुड़ैल खुद को जवान रखने के लिए औरतों और बच्चियों का खून पीती है, और कहते हैं कि वो जिसको मारती है उसे याद रखने के लिए उसके शरीर का एक अंग ले जाती है अपने साथ। सब बकवास है, कोरी गप, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा, हमारा मस्तिष्क उसको ही सच मानता है जो हमने अपनी आंखों से देखा हो। कई बार कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, या फिर जिसने देखा हो वो लुप्त हो जाता है। कुछ भी, अरे सब अफवाह होती है, भूत भूत कुछ नहीं होता। बाबा, हम उस हवेली में गए थे, वहीं से आ रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ, देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ। ओह, क्या सचमुच? हाँ, खाली वीरान हवेली है, बस एक संदूक रखा है अंदर, और कुछ सांप रहते हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं। चुड़ैल। मैं चलता हूँ, प्रणाम। और फिर नवीन और प्रीति भी वहां से चले गए। प्रीति काफी देर से चुप थी। प्रीति, क्या हुआ जाने मन, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? नवीन, मैंने वहां उसको देखा था। कहां? पुरानी हवेली में। सच? क्या देखा? उस चुड़ैल को। याद है जब बिजली कड़की थी, तब एक पल के लिए वो चुड़ैल मुझे आंखों के सामने दिखाई दी थी। रियली? तुमसे सुंदर थी क्या? कम ऑन नवीन। अरे नहीं, वो खून पीती है ना खुद को जवान रखने के लिए, तो सुंदर तो होगी ना। आई एम सीरियस, मैंने उसे देखा था और फिर तुमने पूछा तो मैं बता नहीं पाई, और जब बाबा ने उसके बारे में बताया तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही थी। अरे घबराओ मत, अक्सर इंसान के मन का डर ही उसके साथ खेलता है, और लोग उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता प्रीति। क्या कर रही हो प्रीति, सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के फ्लाइट पकड़नी है। दस हजार 65 66। इतनी रात को क्या पैसे गिन रही हो? 10,000 सो जाओ। 68 90,000 33 34 90,000 35 36 प्रीति, इतनी रात गए तुम कहाँ? अचानक प्रीति को ऐसा जमीन पर पड़ा देखकर नवीन बौखला गया, पर वो समझ गया कि प्रीति उसे छोड़ के जा चुकी है। उसके गले पे काटने के निशान थे और पूरा शरीर जैसे सूख चुका था, सर पे कोई बाल नहीं बचे थे। तब नवीन को समझ आया कि वो चुड़ैल अपने साथ प्रीति के बाल ले गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी जगह पे हमें कोई काम करने से रोके तो हमको उसका मजाक और विरोध नहीं करना चाहिए। ये कहानी मेरे मनपसंद कहानियों में से एक है। आशा है आप लोगों को पसंद आई।
या ना भी आई हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं ऐसे ही हर हफ्ते डरावनी कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलेंगे।